The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. So I ask you, as both warrior. क्या मार्वल का लेवल हो रहा है डाउन? ब्लैक पैंथर 2 से ज्यादा क्यों है कनेक्टेड ऑडियंस? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोलो सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर के अपकमिंग सीक्वल ब्लैक पैंथर 2 के बारे में। ये बात कहीं ना कहीं हम सबकी आंखों के सामने ही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रेज जहां एक तरफ लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें एक बार फिर थोड़ा सब्र करना होगा मार्वल के एवेंजर लेवल क्रेज को वापस एक्सपीरियंस करने के लिए। और इस मामले में ब्लैक पैंथर की सेकेंड मूवी वकांडा फॉर एवर एक अहम रोल प्ले करने वाली है। अगर हम मार्वल की पिछली कुछ मूवीज की लिस्ट पे नजर डालें तो एंड गेम के बाद शांग-ची, इटर्नल्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, ब्लैक विडो और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज की गई है। इनमें से अभी सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी ही एक बड़ा इंपैक्ट डालने में कामयाब हुई है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्वल का लेवल डाउन हो रहा है, बल्कि मार्वल तो अभी एक बिल्डिंग ब्लॉक फेज में है। दस फैंस को अगली दो मूवीज थॉर लव एंड थंडर और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से काफी उम्मीदें हैं। इवन ब्लैक पैंथर 2 से तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चैडविक बोसमैन अब हमारे बीच नहीं रहे। दस उनके कैरेक्टर के साथ ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट कर सकेगी। मार्वल के अपकमिंग फेसेस अभी बिल्डिंग ब्लॉक होने वाले हैं कुछ बड़ा करने के लिए। दस हमें काफी इंतजार करना होगा और मार्वल पे पूरा ट्रस्ट रखना होगा। जैसे हम मार्वल की हर न्यू मूवी को लेकर मल्टीपल फैन थ्योरीज बनाते हैं, वैसे ही ब्लैक पैंथर 2 के केस में ये सीन काफी अलग है। हमें ज्यादा कुछ खास आइडिया है नहीं कि मेकर्स ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर के साथ क्या करने वाले हैं। एंड कॉमिक्स के नजरिए से अगर ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को डिमोलिश या डेड डिक्लेयर किया गया तो 100% चांसेस हैं व्हाइट किंग यानी कि बकी बान के कैरेक्टर के वकांडा के किंग बनने के। और अगर ऐसा मूवीज में होता है तो जेन्युइनली ये एक काफी स्मार्ट मूव हो सकता है। बकी के व्हाइट वुल्फ कैरेक्टर के बारे में हमने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो तैयार किया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे स्क्रॉल करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग वकांडा फॉरएवर का मेन विलन कौन हो सकता है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।